Subscribe to our channel and press the bell icon. नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति शर्मा, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है. आज हमारे साथ जो लड़की जुड़ी है, ये डेरा सच्चा सौदा के बारे में, बाबा राम भीम जी के बारे में चर्चा करना चाहती है. ये बताना चाहती है कि सच्चाई क्या है डेरा सच्चा सौदा की, बाबा राम भीम जी की. ये भी गई है वहां पर काफी बार, इससे बात करके जानते हैं. नमस्कार. नमस्कार. क्या नाम है आपका? प्रभजोत इंसा मेरा नाम है. तो ऐसी बहुत ही समय तो डेरा सच्चा सौदा नाल जुड़े हुए हैं. कितने समय से जुड़े? मेरी एज तो 16 साल है, पर जदों दा असी जन्म लेता है उदों दी ही असी जुड़े हुए हैं. स्टार्टिंग तो ही साडा सारा परिवार डेरा सच्चा सौदा नाल इस तरह जुड़िया हुआ है, जिस तरह रूह नूं कदे रब दे दर्शन हुणे हुणे ही होए हन, इस तरह जुड़िया हुआ है. शुरू तो ही दादा जी साढ़े बहुत ही कट्टर प्रेमी हैं, कोई भी सेवा उन्होंने छड़ी नहीं, हजे तक भी जाते हैं. उम्र का वह कदे भी लिहाज नहीं किया उन्होंने, हजे तक भी डेरा सच्चा सौदा नाल जुड़े हैं. उस तरह असी भी अपनी पढ़ाई में कदे ध्यान घट दिने, जिनी सेवा करते हैं उन्ना ध्यान असी होर किसी काम से दिता ही नहीं, सिमरन जिन्ना होंगे असी करते हैं. अच्छा, तो इतने समय से आप वहाँ पर जा रहे हो, आप एक लड़की हो, आज भी जाते हो? हाँ जी, हम अब भी जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे लड़के और लड़कियों में कोई किसी भी तरह का भेदभाव किया ही नहीं जाता, क्योंकि वहाँ पे लड़के भी एक समान है, लड़कियाँ भी सब भाई बहन की तरह रहते हैं, और बड़ों को माँ की तरह दर्जा दिया जाता है, और अपने माँ बाप की तरह सब रहते हैं, और बहन भाई की तरह. लड़कियाँ सुरक्षित हैं वहाँ पर? हाँ जी, हम तो कह सकते हैं उतना घरों में सुरक्षित नहीं है जितना वो डेरा सच्चा सौदा में सुरक्षित है, क्योंकि पिताजी ने, जब से पिताजी से हम जुड़े हैं, हमें इस तरह से सम्मान मिलता है कि हम कह ही नहीं सकते. कभी तो हमें लगता था कि हम घर से बाहर निकल ही नहीं सकते, पर हम अब कहीं भी जा सकते हैं. डेरा सच्चा सौदा तो हमें अपने घर से भी ज़्यादा सुरक्षित लगता है. लोगों ने तो कुछ इतना कुछ और दिखाया, तो आप क्या कहना चाहोगे? हम तो उन पर विश्वास ही नहीं करते. क्यों? क्योंकि हम जन्म से ही उनके साथ जुड़े हैं, बट कोई कहे या ना कहे, हम तो उनसे कभी अलग हो ही नहीं सकते. चाहे लोग हमें ऊपर से कहें कि ये ऐसे हैं वैसे हैं, हम तो दिलो दिमाग से उनके साथ जुड़े ही हुए हैं और जुड़े ही रहेंगे. क्यों है आपको इतना विश्वास, क्यों जुड़े? क्योंकि उनमें किसी भी तरह की कमी है ही नहीं, क्योंकि हम घरों में भी उतनी हमें इज्जत नहीं मिलती जितनी डेरा सच्चा सौदा मिलती है. अब जैसे हम चार बहन भाई हैं और तीन बहनें, और हमारे माता पिता ने कभी हमें ऐसे समझे ही नहीं ये लड़कियां हैं. हमारे भाई से ज़्यादा भी हमें तीनों को दर्जा दिया जाता है बढ़िया. पढ़ने की शिक्षा, चाहे कुछ भी करें, खेलें, अच्छे काम करें, कभी रोका ही नहीं जाता. वो हमें सिर्फ डेरा सच्चा सौदा से ही हासिल हुआ है. तो बेटियों के लिए और क्या किया है? आप एक बेटी हो, बाबा राम भीम जी ने बेटियों के लिए क्या किया? पिताजी ने हमें गेम में जाना सिखाया, और डेरा सच्चा सौदा में तो हमें तो लगता है उतने लड़कों को तो कम दिखाया जाता है और लड़कियों को ज्यादा, क्योंकि पिताजी ने गेम में इतनी लड़कियों को जाने का हुक्म दिया है, और पढ़ाई भी बहुत बढ़िया ढंग से, और कोई भी इसी तरह का फंक्शन, कोई भी प्रोग्राम हो, लड़कियां सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट करती हैं, क्योंकि पिताजी ने उन्हें कहा है कि अगर आगे बढ़ेंगे तो ही हमें सफलता की प्राप्ति हो सकती है. कहते हैं कोई कहे या ना कहे, हमारे दिलो दिमाग में तो वो छाया ही हुआ है. तो आज जैसे समाज में नहीं है, तो कितनी जरूरत है समाज को बाबा राम भीम जी की? हमें तो लगता है जब से वो गए हैं, वैसे तो हमारी रग रग में हैं, पर आँखों से भी अभी तक दूर नहीं है वो, कभी होएंगे भी नहीं, क्योंकि अब हमें महसूस नहीं होता कि वो हमसे दूर हैं, पर फिर भी हम चाहते हैं कि वो हमें हर रोज दर्श दीदार दें. वैसे तो कभी सपनों में भी आते हैं, ये तो आते ही रहेंगे और कभी हट नहीं सकते. हम कह सकते हैं कि इन्होंने हमें इतना कुछ दिया है कि हम तो कह ही नहीं सकते, हमारी लफ्ज बोल ही नहीं सकते इतना, और हमें उनकी बहुत ही जरूरत है और रहेगी. हमें तो लगता है अगर वो पल भी हमसे दूर हो गए ना, हम तो रह ही नहीं सकते. उन्होंने इतना कुछ किया है, अभी भी कई जगह पे पहले भी आते थे, हड़ आते थे, भूचाल, कोई भी पहले नहीं पहुंचता था, पहले ग्रीननेस पहुंच जाती है, अब भी पहुंच जाती है, पर जब लोगों के दिलो दिमाग पर वो असर है ही नहीं तो वो उनको याद ही नहीं करते. पर पिताजी की रग रग में हर एक का पता है, उन्हें पता है कि हमारा बच्चा कहाँ पे दुखी है, कहाँ नहीं दुखी है, और वो अपने बच्चों को भेज ही देते हैं दूसरों की सेवा के लिए.